यहाँ पर JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आज का एग्ज़ाम कैसा रहा, एग्ज़ाम आपका नहीं क्वेश्चन पेपर कैसा रहा, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स ने ऑलरेडी देख लिया, बट आज की इस वीडियो का मेन पर्पस ये रहने वाला है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है आने वाले एग्ज़ाम में। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो जैसे अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम होगा वो वेटनरी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, फिर भी फीमेल सुपरवाइज़र की वैकेंसीज थी उसका एग्ज़ाम होना है, तो इन सभी एस्पिरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना है वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और एक बार पेपर का लेवल देख लो किस तरह का रहा है। ग्रेजुएट लेवल का ये एग्ज़ाम था, पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ का बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाइटामिन और उसके डेफिशियंसी डिजीज से क्वेश्चन पूछा, कोई डिफिकल्ट B3 B5 नहीं कर दिया हुआ है, सिंपल सिंपल विटामिन आपसे पूछी गई हैं। उसके बाद बेसिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया, फूड चेन का बेसिक से क्वेश्चन आया हुआ है, SI यूनिट से क्वेश्चन आया, बिल्कुल SI यूनिट से जो को किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आने वाला है, और बिल्कुल बेसिक से जो जो पैरामीटर आपके सामने दिए गए हैं, फिर आपके सामने ये सिंबल्स वो एलिमेंट्स उनके सिंबल वगैरह के हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि आप में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि ऐसा पेपर भी आपके आप सामने आ सकता है। बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, एक दो क्वेश्चन अगर हम छोड़ देंगे तो पूरा लेवल जो आपको देखने को मिल रहा होगा, बेसिकली मैं GK सेक्शन की बात कर रहा हूँ जो सभी एग्जाम में कॉमन रहने वाला, वहाँ से मैं बात करूँ। फॉसिल फ्यूल से पूछा हुआ है, वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है कन्फ्यूज़ करने के लिए ऑप्शन नंबर ए में कटरा डाल दिया, लोकेशन नहीं पूछे कौन सी हिल में आपसे वो पूछा गया था ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ रहे हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं। बेसिक ऑर्डर आपको सेट करना है, ये वो जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें, डांडी मार्च, आप हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ के जाते, ये तो एटलीस्ट पढ़ के जाते हो ना, कोई अलग से मूवमेंट नहीं पूछ रहे आपको डिफिकल्ट लगेगा, बेसिक से आपसे पूछ रहे कुछ सीक्वेंस में अरेंज करना था, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है किसी को इसका आंसर ना पता तो वहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं रहा क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है, तो ये अच्छे लेवल क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो जिसने सही से नहीं पढ़ा होगा उसके लिए। यहाँ पे ट्रिब्यूटरी पूछा था, नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, आपसे ये पूछा था सोर्स के बारे में कुछ लिंक वगैरह नहीं था, ये देखो 2000 J&K रीऑर्गेनाइजेशन का बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया, ये कोई भी आपको इसका इसमें से आंसर इसका दे सकता था। फिर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर कैसे कहा जाता है, पासी से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और ये क्वेश्चन तो हटा ही दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत बना हुआ है, अब ये पता नहीं कहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन क्योंकि स्टेट जब UT के हिसाब से नहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टेट की टर्म्स में यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे थे। और फिर नॉर्थ से साउथ इंडिया के बेसिक मैप से क्वेश्चन पूछा हुआ है, पार्क और उसकी लोकेशन कहाँ पर है, जो रिसेंट इवेंट हुए वहाँ से क्वेश्चन पूछा, राबी क्रॉप से, जहाँ मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते, चाहे इसके टाइप से क्वेश्चन आते चाहे इसके बेसिक क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है। फिर ग्रोथ रेट क्या है, अगर आपने क्वेश्चन सीरीज देखी होगी जो JKSSB के एग्जाम क्वेश्चन सीरीज चल रही है वहाँ पर एक इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कवर करवाए हुए हैं, और स्पेसिफिकली ये वाला क्वेश्चन भी आपको करवाया था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाला। और उसके बाद ये कलोही ग्लेशियर कहाँ पर है ये अगर मैं बात करूँगा, उसके बाद ये लेक और उसकी लोकेशन वगैरह कौन से स्टेट में है आपसे वो पूछा हुआ, अजंता केव्स के बारे में पूछा गया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कल परसों जो मॉक टेस्ट डाला था उसमें भी क्वेश्चन डाला हुआ था, फिर डैम और उसकी लोकेशन से पूछा हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले जो आपके सामने स्क्रीन में आ रहे हैं। फिर बाकी ये दूसरे सेक्शन आपके सामने आ जाता है, बाकी पेपर आपको हालांकि मिल भी गया होगा नहीं भी मिला होगा टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी आंसर की भी अपलोड हो चुकी है, हालांकि उसमें भी कई तरह की गलती मिस्टेक्स वगैरह आपको देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट्स फीमेल सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए वोकैबुलरी एक सीरीज स्टार्ट करिए ना, जिसमें आपको डेली के 3 से 4 ईडियम फ्रेजेस करवाए जाते हैं, और अभी तक शायद 8 या 9 डेज कवर करवाएं, उसमें आपको ईडियम फ्रेजेस कवर करवाए जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको जैसे एंटोनिम सिनोनिम करवाए जाते हैं है ना, ये सारे टॉपिक आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो वर्ड्स वाले क्वेश्चन आते हैं होमोफोन्स वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब उसी में एक वीडियो में वो स्नेक इन द ग्रास आपको करवाया था अगर आपको याद होगा तो ना, और इसकी बेसिक जो एग्जाम्पल है वो भी करवाए थे, इसका मीनिंग भी करवाया था, वही आपके एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हो, ये वर्ड आपके सामने स्क्रीन में है ये भी आपको करवाया हो किसी न किसी वीडियो में मुझे याद है, या इस सीरीज़ में करवाया पहले वाली सीरीज़ में करवाया हुआ था, तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो आ रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला उस पर उसकी तरफ ध्यान देना होगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, एक बात आपको समझनी होगी, जो भी एग्ज़ाम 10th बेस लेवल वाले हैं ना, चाहे वो स्टॉक असिस्टेंट का था चाहे JKSSB क्लास 4 का एग्जाम था पहले की मैं बात करूँ, वो या तो उनका पेपर ऐसे सेट होता है कि वो डिफ़िकल्ट आ जाएगा, या वो डिफ़िकल्ट मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल तक चला जाता है, इस तरह का पेपर सेट होता है, या तो वो ऐसा कर देते हैं कि पेपर को आउट ऑफ द सिलेबस कर देंगे कि क्वेश्चंस ऐसे जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन नहीं है, क्योंकि हर एक सिलेबस में स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन होता है वहाँ से क्वेश्चन आता है, और वहाँ पे कई सारे टॉपिक ऐसे थे जो सिलेबस में मेंशन नहीं थे वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे, तो 10th बेस पेपर को वो इस तरह से कुछ बनाया जा रहा है कि वो या तो आउट ऑफ सिलेबस बना दो या डिफिकल्ट पैटर्न यहाँ पर वहाँ पर सेट कर दो।
अभी जो स्टॉक असिस्टेंट का था वो डिफिकल्ट नहीं था, वो आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए डिफिकल्ट बन गया था बच्चों के लिए, क्योंकि वो पढ़ के नहीं गए थे एक्स्ट्रा वगैरह, सभी थोड़ी पढ़ के जाते हैं, तो कुछ ना कुछ जो सिलेबस में तो वही पढ़ के जाते हैं, तो इस तरह से रहता है। तो भी वेटनरी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो आप सभी को भी तैयार रहना होगा उसके लिए। और साथ ही जो दूसरी तरफ हम बात करें ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम की बात करें, बेसिक्स जो बच्चे स्किप करके चल जाते हैं ना, सोचते हैं कि हाँ मैं डिफिकल्ट लेवल का करना है, ये क्या बच्चों के लेवल के क्वेश्चन हैं। लास्ट टाइम में जब स्टॉक असिस्टेंट का पेपर आपके सामने आया था, जो लास्ट वीडियो उसके बनाई थी, उसी वीडियो से 3 क्वेश्चन आए हुए थे आपके जीके वाले सेक्शन में, क्यों, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन करवा रहा था ना, और बेसिक क्वेश्चन वहाँ पर आए हुए थे। तो देखिए समझने की बात यह है कि बेसिक्स आपको बिल्कुल नहीं स्किप कर रहे हैं, हार्ड आप जितना मर्जी पढ़ लो, जितने आपका है आप कर सकते हो आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ना, कोई नेगेटिव पॉइंट है, बट बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। हर एक चैप्टर के जो भी बेसिक्स होते हैं वो आपको कवर करना, ये नहीं सोचेंगे यार यहाँ कहाँ ये कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, नहीं पढ़ के जाओ अच्छे से कवर कर जाओ, यार ये क्या पेपर में आ सकता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, नहीं चांस नहीं लग रहा है, वो छोड़ के जाओ स्किप कर, नहीं वो भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, बेसिक्स आपको कुछ भी नहीं कवर करना है, कुछ भी बेसिक्स में से कुछ भी स्किप नहीं करना है, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। अब इम्पैक्ट की मैं बात कर रहा था, जैसे फीमेल सुपरवाइज़र की मैं बात कर रहा हूँ या इसकी मैं बात करूँगा, एक तो आपको इसके लिए तैयार रहना, क्योंकि जो भी रिलेटेड टॉपिक होते हैं जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं होते, अगर आपकी है कैपेसिटी तो आप तैयार कर लो। सबसे इम्पॉर्टेंट इस बात के वो तैयार रहना पड़ेगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में कहा गया कि 20 सितंबर का इंग्लिश का सेक्शन आने वाला है, जो हमने काफ़ी सारे एग्जाम में भी देख लिए JKSSB के, जब से JKSSB ने खुद एग्जाम कनेक्ट करना स्टार्ट करें, आपके एग्जाम में कहा गया कि मैथमेटिक्स 20 सितंबर का आने वाला फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और सिलेबस में 8 टॉपिक मेंशन है, आप लोग 20 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो एक काम करते हैं, तो मैं कोई 2 टॉपिक छोड़ भी देता हूँ, बाकी 6 से कर लेता हूँ, है ना, तो कोई बात नहीं। लेकिन क्या पता आपका पेपर ऐसा सेट हो कि मैथ के सिर्फ आपके पेपर में 12 ही क्वेश्चन आ जाएँ या 15 क्वेश्चन आ जाएँ, और 15 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो टॉपिक आपने स्किप करा वहाँ से आपके पेपर में आ जाएंगे, या हो सकता है मैथ 25 नंबर का आ जाएगा, रीजनिंग 12 नंबर की हो जाएगी, या रीजनिंग 30 नंबर की हो जाएगी, साइंस जो मेंशन में था कि 2-3 नंबर की हो गया, सिलेबस में है ही नहीं है, वो 10-12 नंबर की आ जाएगी। तो इन सभी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो आपके सामने सिलेबस मेंशन करा गया है, वो सिलेबस आपको कंप्लीट कवर करना पड़ेगा। अब वो सिस्टम नहीं कि आपको कुछ ना कुछ स्किप करना पड़ेगा, आप बोलोगे मैं ये टॉपिक स्किप कर चल जाऊँगा तो कितने नंबर कटने वाले हैं, वो वाला कंसेप्ट अब खत्म हो चुका है। सिलेबस आपको कंप्लीट कवर करना है, सिलेबस कवर अगर आप कर ले तो उस पर अगर आपकी कैपेसिटी वगैरह है तो जो बाकी है उसको बेसिक्स भी कवर करना पड़ेगा। जैसे अभी वेटनरी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनका जो सिलेबस मेंशन करा गया इंग्लिश वाला, जिसने अच्छे से कवर कर लिया इंग्लिश का सिलेबस वगैरह, वो जो बेसिक्स इडियम फ्रेजेस होते हैं वो कवर कर लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड नरेशन है उसके बेसिक्स कवर, ज़्यादा डेप्थ में जाओ बेसिक्स कवर कर लो, एक्टिव पैसिव वॉइस के बेसिक्स कवर कर लो, ये दे 2-3 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा कवर करने पड़ेंगे इंग्लिश में। रीजनिंग में अगर आपने कुछ नहीं करा था, डाइस वाले क्वेश्चन आते पेपर में वो कवर कर लो, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके सीक्वेंस समझ लो कैसे वगैरह करना होता है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कर लो मैथमेटिक्स में, इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक के बेसिक बेस आपको कवर करने पड़ेंगे। और फीमेल सुपरवाइजर वाले को अच्छा खासा टाइम है, जो आपका सिलेबस है पहले उस पर फोकस करो, बेसिक्स अच्छे से कवर करते रहो। हमारे यूट्यूब चैनल पे फीमेल सुपरवाइजर क्लासेस चल रही हैं, चाहे स्पेशलाइजेशन हो चाहे नॉन स्पेशलाइजेशन हो, कंप्लीट वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कई सारी वीडियोस अपलोड भी हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी है स्पेशल, वहाँ पर जाके आप वीडियोज़ को देख सकते हो। और वेटनरी वालों के लिए मॉक टेस्ट हैं फुल लेंथ, बाकी टेस्ट वगैरह भी हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएंगे, चाहे सुपरवाइजर का आपको ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज, चाहे वेटनरी का फुल कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे वेटनरी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कीजिए, आपको कई तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और आने वाले दिनों में आपको थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो प्रिपरेशन को बूस्ट करने वाले, जो कि थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, एक बार जाके अटेम्प्ट कीजिएगा। फिलहाल आप में से अगर कोई एस्पिरेंट इसका रहा है तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी आंसर किया आ चुकी है आपने, कितना स्कोर वगैरह वहाँ पे कर रहा है, और आज के पेपर के बारे में क्या कहना चाहोगे। और एक बात और भी होती है कि जिसका एग्ज़ाम होता है ना, उसको पता होता है कि ये एग्ज़ाम चाहे हम बाहर से देख रहे हैं हमारे लिए ईजी बन रहा है, क्योंकि हम पूरा पेपर नहीं देख रहे, लेकिन जहाँ जितना क्वेश्चन हम देख रहे हैं हमारे लिए ईजी बन रहा है, जो एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा होता है उसके ऊपर अलग तरह का प्रेशर होता है, अलग तरह का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके लिए थोड़ा सा पेपर अलग लेवल का बन जाता है। बट जो भी है ओवरऑल आपको देखने में कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताइएगा, और आप में से कौन कौन वेटनरी के एग्ज़ाम देने जा रहा है या कौन कौन फीमेल सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, और किसी तरह का डाउट होगा कमेंट में पूछिएगा।